वैसे आगरा से ही पली बड़ी हूँ, या मैं सेंट एंथनी जूनियर कॉलेज में पढ़ती थी, मैंने स्कूल यहीं से किया है और मैंने अपना इंटीरियर डिजाइनिंग का डिग्री बॉम्बे से लिया है। मैं वहाँ कंसल्टेंसी करती हूँ इंटीरियर डिजाइनिंग की और आई एम मैरिड एंड आई हैव टू किड्स, टू अडॉरेबल चिल्ड्रन। एंड मैंने रिसेंटली मैं अभी मिसेस इंडिया पैजेंट में पार्टिसिपेट किया था, जहाँ पर सब ये पैजेंट बेसिकली विवाहित महिलाओं के लिए है, जिनका उद्देश्य है बेसिकली जितनी भी हमारी मैरिड वुमेन हैं जो अपने रोज के कामों में इतना बिजी हो जाती हैं, ये उनके लिए कि वो आगे आके प्रेरित करें और अपनी लाइफ से बाहर निकल कुछ अपने लिए कुछ करें और आगे आके सोसाइटी में कुछ करें और अपने कंट्री का नाम आगे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर लेके जाएं। तो मैं इसमें मैं वेस्ट जोन में मैंने दो टाइटल्स अभी जीते हैं, एक है मिसेस इंडिया रिमार्केबल 2017 और एक है मिसेस इंडिया स्प्लेंडिड स्टार 2017। और मेरी जर्नी बहुत ही टफ रही है, मैंने कुछ 3 महीने इस पर पूरा मेहनत किया है, जिसमें एक जर्नी होती है सिर्फ फिजिकली नहीं मेंटली बहुत मैटर करती है और मैंने मेंटली बहुत सारी मोटिवेशन बुक्स पढ़ना और पैजेंट के लिए पूरी तैयारी करना, वॉक डांस, क्योंकि कुछ टोटल बहुत सारे राउंड्स होते हैं, अराउंड 10 राउंड्स होते हैं जिसमें हम लोग को पूरी तैयारी हर चीज़ हर क्षेत्र में करनी होती है। ये बेसिकली है अपने अंदर एक पॉजिटिविटी कलेक्ट करने का, अपने आप को मोटिवेट करने का कि मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं शादी के बाद भी, बच्चे होने के बाद भी मैं स्टेज पे जाके परफॉर्म कर सकती हूँ, लोगों को एड्रेस कर सकती हूँ और सोसाइटी के लिए कुछ कर सकती हूँ, वुमेन के लिए कुछ कर सकती हूँ। ये दौर वुमेन एम्पावरमेंट का है, तो वुमेन के लिए कुछ करना मैं हमेशा से चाहती थी और स्पेशली मेरे 2-3 क्षेत्र हैं जहाँ पर मुझे काम करना है, जिसमें से एक है डायबिटीज़ और जुवेनाइल डायबिटीज़, क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन जो भी डायबिटीज़ के शिकार हो रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को ये पता नहीं है कि जुवेनाइल डायबिटीज़ भी एग्जिस्ट करती है, तो उसके लिए हम सही तरीके से लोगों को प्रेरित कर पाएँ और उसके लिए जागरूकता बना पाएँ, लोगों को अवेयर करा पाएँ कि बच्चों की ईटिंग हैबिट्स हमको सुधारना ज़रूरी है और क्या करना चाहिए कि बच्चे के अंदर वो चीज़ ना आए। और सेकेंडली गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, आज भी आगरा में ही नहीं पूरी कंट्री में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे कुछ पेरेंट्स बच्चों की एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, स्पेशली गर्ल्स के लिए सोचा जाता है कि नहीं उनको एट पार विद बॉयज़ नहीं समझा जाता है, आज भी ऐसे क्षेत्र हैं, तो वहाँ पे भी बहुत ज़रूरी हो जाता है उन पेरेंट्स को ये बताना कि बच्चे चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो उसको पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक लड़की को पढ़ाना एक इंसान को पढ़ाना है पर एक लड़की को पढ़ाना पूरे उसके परिवार को पढ़ाना है, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो मेरे को लगता है वो क्षेत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट जहाँ हम उनको प्रेरित कर पाए, और ऐसा सिर्फ अवेयरनेस फैलाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। तो मेहनत तो ऐसी चीज़ है जो कभी रुकती नहीं है, वो दिमाग से है कि अगर हम सोचते हैं कि हमको वो हासिल करना है उसके लिए मेहनत करते हैं, ये हासिल करना है उसके, तो हम कितना ऊँचा सोच सकते हैं उसके लिए कितना आगे बढ़ते हैं वो मैटर करता है। और मेरे लिए चाहे बच्चे हो चाहे फैमिली हो, वो कभी ऑब्स्टिकल्स नहीं थे, वो मेरी स्ट्रेंथ थी, उसने मेरे हमेशा एक ताकत का ही काम किया, उसने मुझे बहुत, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव रहे हैं, मेरे पेरेंट्स बहुत इंकरेजिंग रहे हैं, मेरे इन-लॉज बहुत इंकरेजिंग रहे हैं, तो मुझे सब लोगों से सपोर्ट ही मिली कि मैं आगे जाऊँ और खुल के कुछ कर पाऊँ, चाहे वो मेरे लिए हो या वो सोसाइटी के लिए हो या कंट्री के लिए हो। तो ये एक जर्नी है जो आगे और आगे भी बहुत मेहनत करनी है, बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी है, और आज मैं मिसेस इंडिया की फाइनलिस्ट हूँ, तो ये सब बड़ा